हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल मिस्टेक। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि यदि आपके रेडमी 8 में यदि लो साउंड की प्रॉब्लम आती है तो आप उसको 100-10% किस तरीके से रिपेयर कर सकते हैं। मैं अपने फुल एक्सपीरियंस के आधार पर मैं आपको बताने वाला हूं कि यदि आपके लो साउंड की किसी भी मोबाइल में अगर लो साउंड की प्रॉब्लम आती है तो वो किस तरीके से आती है, कहां से आती है और उसको किस तरीके से रिपेयर कर सकते हैं, मैं आपको इस वीडियो में इसका सॉल्यूशन देने वाला हूं। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। कोई नहीं बताता है, मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा कि आप किस तरीके से इसको रिपेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि यहाँ पर Redmi 8 में स्पीकर का वेज किस तरीके से होता है। तो दोस्तों, हम यहाँ पर पहले इसका वेज समझ लेते हैं और उसके बाद में मैं आपको बताऊँगा। ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं होगा दोस्तों, बिल्कुल ही कम समय के अंदर आपको अच्छे से अच्छा सॉल्यूशन देने वाला हूँ। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से छोटी सी दरख्वास्त है कि हमारी इस वीडियो को एक लाइक, यदि आपकी ये वीडियो हेल्प करती है तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं दोस्तों, इसमें इसकी पॉजिटिव वाली लाइन है वो हमारे इसमें जो ये सीसी बोर्ड आप देख सकते हैं, ये सीसी बोर्ड लगा है, इस सीसी बोर्ड के इस वाले पॉइंट पर आती है और इसकी ये माइनस वाली लाइन इस वाले पॉइंट पर आती है और इसकी पॉजिटिव वाली लाइन हमारे इस जैक के छठे और चौथे और पाँचवें नंबर पर आती है और माइनस वाली लाइन छठे और सातवें नंबर पर आती है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और इसी तरीके से ये हमारे मेन पत्ते में जाते हैं और उसके बाद, ठीक है, मैं आपको यहाँ पर इस शील्ड को हटाना है, ठीक है। यहाँ तक हमारे मतलब देखो, अच्छे से समझ लीजिए, हमारा जैक है, इसके यहाँ पर चौथे और पाँचवें नंबर पर इसकी पॉजिटिव वाली लाइन होती है, ठीक है। मैं यहाँ पर इसका ये पॉजिटिव वाली लाइन होती है और यहाँ पर इसकी ये माइनस वाली लाइन होती है जो छठे और सातवें नंबर पर जब हम इधर से काउंट करते हैं, ठीक है, इधर से अगर हम काउंट करते हैं तो यहाँ पर हमारी इसकी पॉजिटिव और माइनस वाली लाइन आती है। और उसके बाद यहाँ पर बैटरी कनेक्टर लगा है और बैटरी कनेक्टर के पास में ये शील्ड है, इस शील्ड को आपको हटाना है और इसके नीचे जब आप देखोगे तो कुछ इस तरीके का आपको सेक्शन आपके सामने आएगा। अब मैं आपको बताऊंगा इसके साथ में यहाँ पर इसका जो लो साउंड की प्रॉब्लम आती है वो कहाँ से आती है। या आपको साउंड आईसी भी चेंज नहीं करनी है, ठीक है, इस आईसी को भी चेंज नहीं करनी है, फिर भी आप किस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों, पहले हम इसके लाइन को समझ लेते हैं। इसकी जो पॉजिटिव वाली लाइन होती है वो हमारे यहाँ पर इस वाले कैपेसिटर में जाती हैं और उसके बाद हमारे इस कॉइल में चली जाती है, ये कॉइल सीरीज में लगी रहती है, उसके बाद हमारी साउंड आईसी में जाती हैं और इसी तरीके से ये माइनस वाली लाइन जाती हैं और उसके बाद हमारे इस वाली साउंड आईसी में चले जाते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर यदि ये कॉइल दोनों में से अगर एक कॉइल अगर निकल जाती हैं तो हमारा स्पीकर वर्क नहीं करेगा। लेकिन हम यहाँ पर बात करते हैं लो साउंड प्रॉब्लम, अगर कम साउंड आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर तो हर कोई चेक कर लेगा कि यहाँ पर लाइन ओके या नहीं है। अगर दोस्तों ये कैपेसिटर आप अगर लाइन में शॉर्टिंग आ रही है तो अगर ये इन छोटे छोटे कैपेसिटर की शॉर्ट होने की वजह से आती है, यदि पॉजिटिव वाली लाइन में शॉर्टिंग आ रही है तो इसकी वजह से आती है और माइनस वाली लाइन में शॉर्टिंग आ रही है तो इसकी वजह से आती है। अगर इसकी वजह से भी नहीं आती है तो अगर आप इस कॉइल को निकाल लेना है तो फिर आपको चेक करना है कि शॉर्टिंग आपके इस पॉजिटिव इस तरफ आ रही है या इस तरफ आ रही है। अगर आईसी की तरफ इस वाले पॉइंट पर शॉर्टिंग आ रही है तो समझ लीजिए आईसी शॉर्ट है, इस तरफ आ रही है तो समझ लीजिए बोर्ड के इस तरफ शॉर्टिंग है, जो आपकी सीसी बोर्ड या मेन पत्ते में हो सकती हैं। लेकिन दोस्तों, अब अगर आपके लो साउंड की प्रॉब्लम आती है तो उसका 100-10% सॉल्यूशन ये है। अगर आपकी ये दोनों लाइन ओके हैं और उसके बाद भी लो साउंड की प्रॉब्लम आ रही है, वो लो साउंड की प्रॉब्लम आती है लाइन 1 और लाइन 2 के कैपेसिटर के मिसिंग या शॉर्ट होने की वजह से। अब मैं आपको समझाता हूँ लाइन 1 और लाइन 2 क्या होती हैं। ये लाइन 1 और ये रही हमारा लाइन 1 और ये रही हमारा लाइन 2। ये देख सकते हैं दोस्तों, छोटे कैपेसिटर जो सीरीज में लगे रहते हैं, अगर आप इसका परफेक्ट वैल्यू का यहाँ पर अगर निकल जाता है और परफेक्ट वैल्यू का अगर यहाँ पर कैपेसिटर नहीं लगाते हैं तो भी लो साउंड की प्रॉब्लम आती है। ये हमारे जब हम ये वोल्टेज को बूस्ट करने का काम करती है, ठीक है, ये हमारे इसका कनेक्शन होता है या तो हमारे PMI IC से होता है या पावर IC से होता है, ठीक है, दोनों में से इसमें कनेक्शन होता है। अब मैं आपको बताता हूँ हमारे जो Redmi 8 है इसमें किस वैल्यू का कैपेसिटर लगा है।
47 नैनोफेराड का यहाँ पर इसमें लगा है और इसका वोल्टेज होता है 6 से 9 वोल्टेज तक का कैपेसिटर यहाँ पर सपोर्ट करता है। मैं आपको एक बार फिर से समझाता हूँ, ये कैपेसिटर अगर आप पर निकल जाता है यहाँ पर जंपर से काम नहीं चलेगा। अगर आप जंपर लगाते हो तो आपका ये लो साउंड की प्रॉब्लम सोल्व नहीं होगी। यहाँ पर आपको किसी दूसरे बोर्ड से कैपेसिटर उठा के यहाँ पर आपको लगाना होगा या किसी भी बोर्ड से आपको 47 नैनोफेराड का, इससे ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो सकता है लेकिन ज़्यादा वैल्यू कम नहीं चलेगा, ठीक है। यहाँ पर इन दोनों कैपेसिटर के मिसिंग होने की वजह से ही लो साउंड की प्रॉब्लम आती है। अगर मेरी इस बात पे अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप किसी भी मोबाइल से इन दोनों कैपेसिटर में से एक कैपेसिटर आप निकाल दीजिए और उसके बाद अगर लो साउंड की प्रॉब्लम नहीं आती है तो मुझे कमेंट करके बताना, क्योंकि मैं 100% श्योर के साथ मैं आपको कह सकता हूँ इन दोनों लाइन में अगर वोल्टेज प्रॉपर नहीं आता है, ये दोनों लाइन मिसिंग है, तो आपके लो साउंड की प्रॉब्लम 100-10% आएगी। तो इस तरीके से सेम वैल्यू को आपको लगाना है या फिर आपको लाइन चेक कर लेना है कि यहाँ पर आपकी रीडिंग आ रही है या नहीं आ रहे हैं। इस तरीके से आप लो साउंड की प्रॉब्लम सोल्व कर सकते हैं। आई होप दोस्तों मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो दोस्तों इसी तरह का अगर और सॉल्यूशन का आपको वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।